हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निर्जा विरपरिया और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे व्रत वाली रेसिपी। जी हां, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा बट विथ अ लिटिल ट्विस्ट इन इट। तो इस रेसिपी को आसानी से बनाने के टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना वड़ा बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप साबूदाना लेंगे और उसे भिगोने के लिए उसमें पानी डालेंगे। आपको साबूदाना थोड़े से भीग जाए उतना ही पानी डालना है। मैंने यहाँ पे करीबन 1/4 कप पानी यूज़ किया है और उसे 3-4 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख देंगे। उसमें हम डालेंगे 1 कप दही। दही की स्टफिंग बनाने के लिए हमें पानी को पूरी तरह से निकालना होगा। तो पानी निकालने के लिए हम कपड़े को इकट्ठा करके ऐसे स्क्वीज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना सारा पानी निकल रहा है। ये करने के बाद भी इसमें थोड़ा पानी रह जाता है, तो वो निकालने के लिए हम कपड़े के ऊपर नॉट बांधेंगे या फिर टाइटली ऐसे बांध के उसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे और इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। करीबन 4 घंटे के बाद हमारे साबूदाना परफेक्टली सोक हो चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ उबले हुए आलू, 1 बड़ी चम्मच हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि नीम लीव्स, थोड़े से धनिया पत्ते, 1 बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी। अब इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच मूंगफली का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आलू को स्मैश करके भी डाल सकते हो या फिर इस स्टेज पे भी आप स्मैश कर सकते हो। स्टफिंग को फ्लेवरिंग देने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी कि संचर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मैंने गलती से दही को बाहर निकाल के रख दिया था और फिर मैं भूल गई थी, इसलिए मेरी स्टफिंग लूज़ हो चुकी है। पर आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी स्टफिंग लूज़ होगी तो आपको उसे वड़े में भरने के लिए बहुत तकलीफ़ होगी। तो अब वड़ा बनाने के लिए हम हमारी हथेली पे थोड़ा पानी लगा देंगे और उसके बाद साबूदाने का मिक्सचर लेंगे और उसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि उसे अच्छी तरह से बाइंड कर पाए। अब दूसरे हाथ से उसका थोड़ा पतला लेयर बना देंगे और उसमें दही वाला स्टफिंग डाल देंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा स्टफिंग थोड़ा लूज़ है, इसलिए मैं इतना ही स्टफिंग डाल रही हूँ। उसके बाद हम साइड से कवर करते जाएंगे। ऊपर का जो थोड़ा लेयर कवर करना बाकी रह जाता है तो आप दूसरा साबूदाने का मिक्सचर लेके उसे कवर कर सकते हो। ध्यान से इसे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि बीच में इसे स्टफिंग निकल जाएगी। हल्के हाथों से हम इसे शेप देंगे और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा हमारा ये शेप का वड़ा रेडी हो चुका है। सिमिलरली हम दूसरे वड़े भी बना लेंगे। सारे वड़े रेडी करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और उसके बाद हम इसमें स्पैचुला या फिर लंबी स्पून की मदद से वड़े डाल देंगे। क्योंकि ये वड़े थोड़े वज़न में हैवी होते हैं तो इसे डालते समय तेल के छींटे भी उड़ सकते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे वड़े को डालना पसंद करती हूँ। वड़े को डालने के बाद 30 सेकेंड के लिए उसे फ्लिप मत कीजिए ताकि वो नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। 30 सेकेंड के बाद उसे घुमा देंगे और दूसरी साइड भी उसे पका लेंगे। हमारे वड़े परफेक्टली कुक हो चुके हैं, तो इसे निकाल के हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेते हैं। इतने मिक्सचर से हमने करीबन 6 सेम साइज़ के वड़े बना लिए हैं, तो हम बाकी के वड़े भी निकाल लेते हैं और इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस श्रावण मास में आपके उपवास के दौरान ये रेसिपी फॉलो करके स्टफ्ड साबूदाना वड़ा बनाइए और इसे गर्मा गर्म इन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।